Welcome to Latest Tech. In this video, I am going to show you how to bypass MI account lock from MI 4A. So you just need to watch complete video without skip. You can bypass MI cloud lock easy from Redmi 4A. So dosto, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिए, आप इजली MI नोट 4 से जो MI अकाउंट लॉक है उसे बाईपास कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं नेक्स्ट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ MI अकाउंट लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं MI अकाउंट लॉक। अगर आप MI अकाउंट की ईमेल आईडी या फिर आप उसका पासवर्ड बोल चुके हैं तो आप उसे कैसे रिसेट करेंगे, कैसे अपने फ़ोन से हटाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही मेथड मैं आपको बताऊँगा जिससे आप इजली MI 4A से MI क्लाउड को बाईपास कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट करके दिखा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी शो कर रहा है MI की। तो यहाँ पे जब तक आप इसे, या तो फिर आपके पास आईडी होनी चाहिए तभी आप इसे लॉगिन करके नेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन अपना यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसे बाईपास करना पड़ेगा अगर आप आईडी भूल चुके हैं। तो बाईपास कैसे करना है, तो दोस्तों मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली बाईपास कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों एक टूल का लिंक, एक सॉफ्टवेयर मैं दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है और उस वीडियो में सब कंप्लीट गाइड है आपने कैसे उसे सेटअप करना है उस सॉफ्टवेयर को। तो उसी सॉफ्टवेयर से मैं अनलॉक करूँगा। पहले सबसे पहले आपको फ़ोन अपना ऑफ़ करना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आपको अपने फ़ोन की जो बैक साइड है, जो ढक्कन है, उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ये एक प्लास्टिक है, इसके ऊपर जो स्ट्रिप लगी मिलेगी, इसको कंप्लीट, इसको आपने स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना, ठीक है, और इसे हटा देना है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपने, जब आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा, आपको इसे MI अकाउंट लॉक बाईपास करना पड़ेगा EDL पॉइंट से, ठीक है दोस्तों। आपको फ़ोन सबसे पहले EDL मोड पे इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो MI अकाउंट लॉक है उसे बाईपास करेंगे। तो MI, आप इस MI 4A को आप EDL पॉइंट पे कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ोन की बैटरी का जो स्ट्रिप है उसे रिमूव करना, बोर्ड से हटाना है, ठीक है, ध्यान से हटाना। आपने इसके लिए अपना नेल यूज़ करना है, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी है आयरन वाली, तो उससे आपका फ़ोन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, इसे आप नेल से ही हटाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन ऑफ का पत्ता, ठीक है, जहाँ पे ऑन ऑफ का स्ट्रिप बोर्ड के साथ लगा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ दो पॉइंट हैं, ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर और जूम करके, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैटरी निकाल दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स को ही शॉर्ट करना है और किसी चीज़ को देखना, ग्राउंड पे जो बोर्ड पे है किसी भी कैपेसिटर रेजिस्टेंस के साथ आपका जो फोर्सअप है वो नहीं लगना चाहिए। आपने क्या करना है, बैटरी का पॉइंट निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है और उसके बाद आपने USB केबल लगानी है उसी टाइम। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होने चाहिए। अगर आप उसके बाद आप डिवाइस मैनेजर में देखिएगा, अगर आपको क्वालकॉम पोर्ट शो करता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से USB निकाल के फिर से उन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके और USB लगाइए। जब क्वालकॉम पार्ट शो कर देगा पोर्ट्स में तो उसके बाद आप बैटरी का पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बैटरी का पॉइंट लगा दिया। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर इसे मैं फिक्स कर देता हूँ अच्छे से। वहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्या करना है और कैसे बाईपास करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको डिवाइस मैनेजर में ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ड्राइवर दिखा देता हूँ। आपके पास अगर क्वालकॉम के ड्राइवर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल से डाउनलोड करके, अगर नहीं मिल रहे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप प्रॉपर्टी, अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, वहाँ से प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, डिवाइस मैनेजर वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पार्ट्स ओपन करके छोड़ दिया। उसके बाद MRT डूंगल का क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड में दोनों में दे दूंगा। वीडियो में पूरी बना के डाली MRT क्रैक पे, उसमें जो आपको कीगन का प्रॉब्लम आती है, आपने कीगन ओपन नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं करना, उसे वहीं से ओपन करना और उसके बाद आपने वहां से कीगन से रजिस्टर कर लेना। दोस्तों उस वीडियो में मैंने पूरा बताया, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे आपको सबसे पहले अपने जो PC का एंटीवायरस है उसे डिसेबल करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी डिसेबल है, डिसेबल करना है। उसके बाद MRT का जो क्रैक वर्जन है आपने उसे
ओपन करना। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे ये इंटरनेट कनेक्शन पे चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको MI अनलॉक का एक अलग से मिलेगा, ठीक है। MI अनलॉक का जो होगा इसका सेटअप, आपने इसे ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे ये विदाउट इंटरनेट चलेगा। जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना, यहाँ पे दोस्तों आपको मॉडल चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं। अगर इस फ़ोन को F4P लॉक है तो इसी जो MRT डूंगल का क्रैक वर्जन है इससे आप F4P भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी लॉक होगा MRT डूंगल से आप निकाल सकते हैं। आप में एक अकाउंट लॉक है या फिर गूगल अकाउंट लॉक है, दोनों को आप बाईपास कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे MI का जो मॉडल है आपके पास वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी MI 4A है तो मैं उसे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने मॉडल्स आपने करेक्ट चूज़ करना है, रॉन्ग मॉडल चूज़ नहीं करना। अगर आप रॉन्ग मॉडल चूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट अनलॉक नहीं होगा। उसके बाद आपने चूज़ करना, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4A चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने वही दोनों पॉइंट्स शॉर्ट करने और यहाँ पे USB लगानी है, ठीक है। बैटरी का पॉइंट निकला होना चाहिए, पॉइंट्स दोनों शॉर्ट करके और यहाँ पे उसके बाद USB लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप पोर्ट्स में क्वालकॉम पोर्ट शो कर रहा है यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना ज़्यादा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसका जो MI अकाउंट लॉक है यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका इजिली बाईपास कर लेगा। और उसके बाद दोस्तों चलिए अभी चलते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे तो देखते हैं बाईपास हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ले आया हूँ मैं मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोन की USB रिमूव करनी है, ठीक है गाइस। तो मैं USB रिमूव करता हूँ। उसके बाद आपको बैटरी का पॉइंट निकालना है, फिर से लगा देना। अब अपना फ़ोन आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू बैटरी का पॉइंट लगा रहेगा, अगर वो EDL पॉइंट पे है तो फ़ोन ऑन नहीं होगा जब तक आप बैटरी रिमूव करके फिर से नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारी न्यू अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टअप पे था, मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से मैं कंट्री चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों इस रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप कोई और फ़ोन के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जल्दी रिप्लाई मिलेगा, तो आप इजली जो है वो बाईपास कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सेटअप न्यू फ़ोन किया, और यहाँ पे नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे ऑल सेट, और यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन ने MI अकाउंट लॉक नहीं मांगा, तो MI अकाउंट लॉक इसमें बाईपास हो चुका है। सो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।